हमारे साथ जुड़े रहने के लिए ज्ञान ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। क्या आप अपने इंस्टाग्राम को फेसबुक से लिंक करना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि हम इंस्टाग्राम अकाउंट में अपने फेसबुक को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? तो फिर इस वीडियो को देखते रहिए। हेलो, नमस्ते, मेरा नाम है सनोज। तो चलिए इसे देखने के लिए चलते हैं हम अपने फोन पे। तो यहाँ पर अब हम अपने फ़ोन पे हैं और यहाँ पे हमें अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को फेसबुक से लिंक करना है, कनेक्ट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले तो आप अपने फ़ोन में इंस्टाग्राम ऐप को ओपन कर लीजिए और यहाँ पे आपको सबसे पहले नीचे राइट हैंड साइड में प्रोफाइल आइकन दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करना है। और अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा प्रोफाइल खुल चुका है। अब यहाँ पे आपको एक छोटा सा सेटिंग करना पड़ेगा, उसके बाद आप बहुत ही आसानी से अपने फेसबुक अकाउंट को इंस्टाग्राम से कनेक्ट कर पाएंगे, लिंक कर पाएंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको राइट हैंड साइड में ऊपर 3 लाइन दिखाई देगा, यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद इधर सेटिंग्स एंड प्राइवेसी पे चले जाना है। अब यहाँ पे आपको दिखाई देगा अकाउंट सेंटर, इस पे आपको अकाउंट सेंटर पे क्लिक करना है। और अब यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे यहाँ पे आपको दिखाई देगा कनेक्टेड एक्सपीरियंस, देख सकते हैं कनेक्टेड एक्सपीरियंस पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं फिलहाल मेरा कोई भी अकाउंट यहाँ पे लिंक नहीं है, कनेक्ट नहीं है। अब यहाँ पे हमें फेसबुक अकाउंट को कनेक्ट करना है, तो इसके लिए हमें ऐड अकाउंट का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करना है। और उसके बाद ऊपर में आप देख सकते हैं ऐड फेसबुक अकाउंट, यहाँ पे आपको क्लिक करना है ऊपर वाले पे। और जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे फ़ोन में जो भी फेसबुक अकाउंट लॉगिन था वो अपने आप ही डिटेक्ट होके यहाँ पे आ गया है। अब ये अकाउंट यहाँ पे इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पे मैंने अपने फेसबुक ऐप में अपना जो फेसबुक अकाउंट है उसे लॉगिन किया हुआ है। तो अगर आपने लॉगिन नहीं किया हुआ है तो आप पहले अपने फेसबुक के ऐप में अपना जो फेसबुक आईडी है उसे लॉगिन करके रखिए, उसके बाद वहाँ पे यहाँ पे अपने आप ही डिटेक्ट होके आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, क्योंकि ये मेरा अकाउंट सही सही यहाँ पे आ गया है, तो मुझे क्या करना है, नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन दिख रहा है, इधर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद इधर आपको यस फिनिश एडिंग पे क्लिक कर देना है और थोड़ा सा प्रोसेसिंग होगा और अब हमारा जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। चलिए यहाँ पे ये पेज रिफ्रेश करके देखते हैं। और अब यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोफाइल पे हमारा 2 अकाउंट शो हो रहा है। चलिए प्रोफाइल पे क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा फेसबुक आ चुका है इधर। चलिए यहाँ से बैक आ जाते हैं। अब यहाँ पे हमारा अकाउंट तो ऐड हो चुका है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका जो भी इंस्टाग्राम पे आप पोस्ट करें वो फेसबुक पे ऑटोमेटिकली पोस्ट हो जाए, या फिर जो फेसबुक पे पोस्ट करते हैं वो इंस्टाग्राम पे ऑटोमेटिकली आ जाए, पोस्ट हो जाए, तो इसके लिए एक छोटा सा सेटिंग करना पड़ता है। अगर आप चाहें तो इसे इनेबल कर सकते हैं। नीचे आप देख सकते हैं कनेक्टेड एक्सपीरियंस दिख रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको शेयरिंग अक्रॉस प्रोफाइल पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं फेसबुक यहाँ पे इधर आ गया है, फेसबुक पे हम क्लिक करते हैं। और इधर आप देख सकते हैं अगर आप ऑटोमेटिकली शेयर करना चाहते हैं तो आप यहाँ से योर फेसबुक स्टोरी पे इसे एनेबल कर सकते हैं या फिर फेसबुक पोस्ट पे एनेबल कर सकते हैं और उसके बाद ऑटोमेटिकली आपका शेयर होने लगेगा। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ये बंद ही रहता है तो इसे हम बंद ही अभी छोड़ देते हैं और चलिए यहाँ से हम बाहर आ जाते हैं। और अब हमारा जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली यहाँ पे इंस्टाग्राम में हमारा जो फेसबुक अकाउंट है वो लिंक हो गया है, कनेक्ट हो गया है। तो इसी तरीके से आप भी अपने इंस्टाग्राम पे फेसबुक को कनेक्ट कर सकते हैं।